आप देख रहे हैं MMW चैनल। ईरान ने इसराइल से ताल्लुकात पर एक शिया मुल्क को सख्त धमकी दी है। क्या कहा सदर ईरान ने इसराइली दोस्ती पर, देखिए इस वीडियो में। ईरान ने अपने पड़ोसी और शिया मुल्क अजरबैजान को इसराइल से ताल्लुकात पर इंतबाह जारी किया है। आजरी सदर इल्हाम अलीफ के साथ मुलाकात के दौरान ईरानी सदर डॉक्टर सईद इब्राहिम राइसी ने वाजे किया कि खित्ते में इसराइल की मौजूदगी सिर्फ कशीदगी को हवा देती है। ये बात सुनने के काबिज हुकूमत जहाँ भी कदम जमाने में कामयाब होती है वहाँ सलामती को नुकसान पहुँचाती है। खित्ते में सलामती सिर्फ इलाकाई ममालिक और बहरा कैस्पियन के पड़ोसियों के तावन से ही हासिल की जा सकती है। ईरानी सदर ने यह भी कहा कि ईरान ऐसा मुल्क है जो मुश्किल वक्त में साथ देता है, हम अपने इत्तेहादियों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। ईरानी सदर ने यह धमकी इसलिए दी क्योंकि अजरबैजान का सदर इसराइल को दोस्त समझता है। इसके इसराइल के साथ सफारती ही नहीं बल्कि फौजी ताल्लुकात भी हैं, जबकि ईरान इसराइल को असली दुश्मन मानता है। ईरान यह चाहता है कि अजरबैजान इसराइल के बजाय ईरान के साथ ताल्लुकात कायम करे और फौजी और मिलिट्री एतबार से ईरान पर ही इन्हिसार करे, लेकिन अजरबैजान का सदर इसराइल को अपना फौजी इत्तेहादी बनाए हुए है।